तो आज हम देखेंगे कि आपके पीडीएफ फाइल के अंदर हम क्लिकेबल या लिंकेबल टेक्स्ट हो या सेंटेंस हो या इमेज पिक कैसे बना सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या लगेगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पीपीटी फाइल, यहाँ पर एक पीपीटी की एक स्लाइड लगेंगी जिसको आप बाद में से जो है पीडीएफ पेज के अंदर कन्वर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो भी सेंटेंस या जो भी आपका लोगो या जो पिक है जिसको आपको लिंकेबल या क्लिकेबल बनाना है, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर सिंपली इस तरह से टाइप कीजिए, ओके। और उसके बाद जो है यहाँ पर मेनू बार जो है मेनू बार में इंसर्ट, यहाँ पर हाइपर लिंक नहीं बल्कि लिंक में आपको जाना है, इंसर्ट लिंक, ओके। तो जो है यहाँ पर इंसर्ट लिंक है और यहाँ पर ओपन होने के बाद जो है आपको यहाँ पर लिंक टू कहा गया है, ओके। तो पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। सेकेंड है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये आपको पता है कि पीपीटी के अंदर कैसे दे। नेक्स्ट स्लाइड को अगर आपको लिंक देना है तो वो आपको पता है, लेकिन अगर आपको कोई वेब पेज का अगर देना है एग्जिस्टिंग फाइल वगैरह, ओके। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जो है मेरे 6-7 या जो कुछ भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स है तो उसके नाम या उसका सेंटेंस यहाँ पर मैं लिखा हूँ। अब इसको मुझे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है मुझे उस वेब पेज पे अगर ले जाना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर शुरुआत में जो है मैं फेसबुक अकाउंट फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर जो है मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और उसको सिलेक्ट करने के बाद जो है इंसर्ट के अंदर जाके लिंक के अंदर जाकर जो है मैं सिंपली जो है नीचे यहाँ पर एग्जिस्टिंग वेब पेज को क्लिक करके यहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पर वो मेरे जो फेसबुक अकाउंट का जो लिंक है वहाँ पर यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और ओके करूँगा, ओके। तो यहाँ पर चलो हम गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर चलते हैं। यहाँ पर सारे मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट मैंने ओपन करके रखे हैं। यहाँ पर ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर फेसबुक अकाउंट है, यहाँ पर लिंक्डइन अकाउंट है, यहाँ पर मेरा गूगल ब्लॉगर है, यहाँ पर जो है मेरी वेबसाइट है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्द ही मैं आपको पब्लिश करके दिखाऊँगा, लेकिन फिर भी आप फिलहाल देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है मेरा ट्विटर अकाउंट है और यहाँ पर जो है ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ओके। तो सबसे पहले अगर हमने फेसबुक का अगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो फेसबुक को यहाँ पर जो है इस एड्रेस बार के ऊपर जो है होम पेज आप ओपन करें, यहाँ पर लिंक कॉपी करें और लिंक कॉपी करने के बाद जो है आपको सिंपली जाना है जो है फिर पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर और जो एड्रेस बार है वहाँ पर उसको क्या करना है, पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद जो है सिंपली उसको ओके करना है, ओके। तो अपने आप वो लिंक जो है उसे लग गया है और सारे अकाउंट को भी इस तरह से आप लगा सकते हैं, जो भी ट्विटर अकाउंट है उसका जो एड्रेस है होम पेज का, ओके। खास करके जो है होम पेज को जो है आपको ध्यान में रखना है, उसका जो है लिंक आपको कॉपी करना है और यहाँ पर सिर्फ लिंक देना है। अब देखेंगे हम इस पीपीटी को जो है पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें, ओके। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फाइल में जाकर सिंपली जो है नीचे यहाँ पर ऑल द वे डाउन यहाँ पर एक्सपोर्ट के अंदर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट को, ओके। एक्सपोर्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर वीडियो बनाना है तो वीडियो है, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल हमको बनाना है पीडीएफ, क्रिएट पीडीएफ डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर सिंपली क्या करना है, क्रिएट पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको तैयार करनी है, ओके। तो अब यहाँ पर कहाँ पर आपको ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहाँ पर डेस्कटॉप का इसको पाथ दे दें और जो भी आपका जो फाइल का नेम है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सोशल मीडिया लिंक्स और नीचे सेव एस टाइप जो है वो पीडीएफ आपको करना है, या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इंटरेस्टेड है पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर। और फिर उसके बाद जो है सिंपली आपको पब्लिश करना है। अब ऑलरेडी मेरा सोशल मीडिया लिंक्स ये पीडीएफ के नाम से यहाँ पर सेव है, इसलिए मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी मेड जो है पीडीएफ अकाउंट या पीडीएफ जो है फाइल मेरे पास है। तो इस तरह से जो आप सोशल अकाउंट या सोशल लिंक ही नहीं बल्कि कोई भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर का जो भी सेंटेंस है उसको अगर लिंकेबल क्लिकेबल बना के कोई भी वेब पेज या कोई भी जो है साइट, कोई भी जो है वेबसाइट को अगर उसका लिंक देना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं और बहुत ही यूजफुल बेनिफिशियल है सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, ऑफिशियल्स के लिए। कोई आपका लोगो है या पिक्चर है इसको कैसे आप जो है लिंक दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक दी है, ये सभी मेरे अकाउंट्स या जो भी चैनल है जहाँ पर भी मैं वर्चुअल सोशल मीडिया मेरे वर्ल्ड के अंदर मैं घूमता हूँ उसके लिए मैंने ये लोगो बनाया हूँ लोकॉम्बो प्रो, ओके। तो इसको क्लिक करें सिंपली और वही प्रोसेस से आप जो है इंसर्ट लिंक करके जो है यहाँ पर नीचे जो है इंसर्ट लिंक को क्लिक करें
और उसके बाद एग्जिस्टिंग फाइल, जहाँ जो भी लिंक, जो भी चैनल फेसबुक अकाउंट का हो या आपके जो है कोई वेबसाइट का, अगर आपको यहाँ पर एड्रेस देना है तो आप सिंपली इसको दे सकते हैं और इजीली जो जो है आप यहाँ पर उसको क्लिकेबल और लिंकेबल बना सकते हैं। ओके, तो उसी तरह से जो है इस फोटो को भी हम कर सकते हैं, लोगो हो, फोटो हो, जो है जो भी यहाँ पर हो आपका क्लिप आर्ट वगैरह, तो उसको आप इस तरह से लिंक दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेनिफिशियल और जो है खास करके स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल सभी के लिए जो है ये यूज़फुल ऐसा फीचर है। तो इसी तरह से बहुत सारे PPT के अंदर या PDF के अंदर के जो भी एक्साइटिंग फीचर्स है वो हम लेकर आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।